हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है आपकी 17 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 17 नवंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहां से डेली लाइव करंट अफेयर्स की जो है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलती रहेगी। आज आपकी 17 नवंबर है तो शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है। दोस्तों देखिए, अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है उसका अभी 7वां संस्करण चल रहा है, वो कहाँ पर मनाया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर हरियाणा। तो आपको याद रखना होगा कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, मणिपुर। यहाँ पर देखिए, मणिपुर का मैप दिया गया है साइड में आपको। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी है, राजधानी इम्फाल है। इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए सीएम द हेसी पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। खोंग जोम दिवस 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 165 फीट मणिपुर के विष्णुपुर जिले में फहराया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्यौहार संगई महोत्सव मणिपुर से जो है लागू होते हैं। मीराबाई सानू को एएसपी नियुक्त किया गया है मणिपुर में। तो ये सारी बातें मणिपुर से याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है दोस्तों, वो 41वां मनाया जाएगा इस साल और वो जो है नई दिल्ली भारत की राजधानी में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त वायु अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। संयुक्त वायुसेना जो है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला है, 7वां संस्करण होगा वायुसेना का, वो अभी चेन्नई में, जोधपुर में या फिर हैदराबाद में मनाया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर जोधपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि वायुसेना का अभ्यास है वहाँ पर जो है आयोजित किया गया है और 7वां संस्करण है। यहाँ पर देखिए, भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 7वां युद्धाभ्यास गरुण आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर संपन्न हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि युद्धाभ्यास से दोनों वायुसेनाओं को परिचालन जानकारी और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के वायुसेना के कर्मियों को वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुभव और कॉम्बैट ऑपरेशन सेशन जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। तो अच्छा होगा, हमारे जो है वायुसेना के जो जवान होते हैं उसमें डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस वर्ष को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों देखिए, अभी आपका वर्ष कौन सा होगा आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाने वाला, तो आपको याद रखना होगा 2022, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 2022। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। वो राज्य का नाम बताए जिसने अभी ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा केरल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अवार्ड के लिए। केरल से बातें जानिए, यहाँ पर थोड़ी सी देखिए, आपका केरल जो है उसकी राजधानी कौन सी है, मुख्यालय कौन सा है, तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और केरल से कुछ नॉलेज की बात देख लीजिए, केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1,00,000 छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। 1 नवंबर को केरल का स्थापना दिन जो है केरल पीरवी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये वाला छोटा सा हिस्सा केरल ये याद रखेगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गूगल 2022 के लिए डूडल जीता है। रिपन मिश्र, आर जयेश, श्लोक मुखर्जी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि डूडल जीतने वाला जो इंसान है श्लोक मुखर्जी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताएगा कि आपको जो है यहाँ से करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगती है, आपको जो है हेल्प मिल रही है या फिर नहीं,
या फिर हमें कोई चेंजेस करना है तो हमें भी बताएगा। ओके नेक्स्ट, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4-star ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन या फिर 9-9-30। तो आपको याद रखना होगा 4-star जो प्रमाण पत्र मिला है रेलवे स्टेशन को वो भोपाल रेलवे स्टेशन को मिला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आसियान किस देश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है? जो आसियान समूह है दोस्तों वो अभी पूर्वी तिमोर जो है आपका उसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमत हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्वी तिमोर की कुछ बात करें, यहाँ पर छोटी सी कंट्री है, देखिए पूर्वी तिमोर का दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ में प्रवेश एक प्रक्रिया है जो 2002 में देश की स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई, जब इसके नेताओं ने कहा कि इसने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का सदस्य राज्य बनने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया है। तो इस बात को भी याद रख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4-दिवसीय यात्रा पर गए हैं? दोस्तों याद रखिए आपको सेना की सारे बातें याद रखनी चाहिए, जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं या फिर हमारे जो जनरल्स होते हैं प्रमुख होते हैं वो कहीं किसी देश में जाते हैं तो वो बातें भी याद रखनी चाहिए। जनरल हमारे जो प्रमुख जो है अभी सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी किस देश की 4-दिवसीय यात्रा पर गए तो आपको याद रखना होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ICCR के साथ समझौता किया है? अभी जो आपका ICCR है दोस्तों उसके साथ समझौता करने वाला राज्य कौन सा है बताएं? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर ICCR के साथ समझौता किया है वो राज्य बिहार है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला राज्य बिहार देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और 9 बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है, तो इस बात को याद रखेगा बिहार से। नेक्स्ट, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों देखिए यहाँ पर 2025 की बात हो रही है, 2025 की मेजबानी कौन करेगा कबड्डी के लिए? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए ब्रिटेन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 2025 के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केविन कॉनरॉय का निधन हुआ है, वह कौन थे? लेखक, गायक, अभिनेता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर वो एक अभिनेता हुआ करते थे, केविन कॉनरॉय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आज 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स आपके बन सकते थे वो यहाँ पर फिनिश हो चुके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। गाइस अब हम जितनी मेहनत आपके लिए कर सकते हैं तो आपको शेयर करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी।